शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर भले ही जोर दिया जा रहा हो, लेकिन गांव देहात में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। गांव पिंडरई में खाली पड़ी भूमि पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और ग्रामीणों की तमाम शिकायतों के बाद भी पंचायत का कोई ध्यान नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा गांवों में नालियों का निर्माण नहीं कराए जाने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे गांवों की सड़कों पर लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों और महिलाओं को उठाना पड़ रही है। ऐसे में गंदगी बदबू से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है और उन्हें गांव में बीमारी फैलने का डर भी सता रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब से नई सरपंच पूजा तिवारी बनी है, तब से पंचायत का काम ठप पड़ा रहता है। ना सरपंच पंचायत कार्यालय आती है और न ही किसी कार्य में रुचि लेती है। घर के सामने बहुत ज्यादा गंदगी होती है और पानी निकालने के लिए प्रॉब्लम भी है और रोड से पानी जाता है, बच्चे भी खेलते हैं। इसलिए सरपंच साहब से या आप लोगों से शिकायत है कि यहाँ की नाली बनवा दे। निकालते नहीं बनता, गिर जाते हैं। सियाने लोग 80 साल की उम्र हो गई, यहाँ बंद करे हैं बिल्कुल, कीचड़ के मारे बहुत ज्यादा। हम तो सब दिन से यहीं से जाते थे, सब दिन जब से आए हैं, लेकिन हम निकल नहीं सकते साहब बिल्कुल। हमको जो दिक्कत है रास्ते की, गंदगी है, गोबर है, पानी भरा है, दलदल है। अच्छा, गोबर का भी स्टॉक यही किया जाता है पूरा? रखा है ना यहाँ से, रखा बंदा है तो गोबर ही रहेगा। तो आप नाली से गोबर ही नहीं रहेगा, हम लोग भरे के कचरे और है। कौन सी डेयरी है यहाँ जो गोबर है? ये नाम तो नहीं है डेयरी को, लेकिन ऐसे ही चंद्र का यादव है, उमेश यादव है, रमेश बड़गंजा है।